हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जी हाँ, बट ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं कर रही हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि दांत जो है मसूड़ों की तरफ से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो इसका रूट कैनाल मैं वहीं से एक्सपोज कर रही हूँ, मीन्स वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर दांत के ऊपर से जाऊँगी तो ये दांत पूरी तरह से टूट जाएगा। तो कभी कभी पेशेंट के दांत को सेव करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक भी यूज़ करनी पड़ती है, जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हो ना आप। दांत ऊपर किससे मैं नहीं कर सकती, तो मैं साइड से ही रूट कैनाल कर रही हूँ। अभी अच्छे से इंस्ट्रूमेंटेशन हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट अंदर जा रहे हैं कैनाल के अंदर। तो अभी हम एक्सरे लेके देखते हैं इसकी वर्किंग लेंथ कैसी है। एक्सरे हम ले चुके हैं और अब ये मैं क्लीन कर रही हूँ कैनाल को। तो कैनाल को क्लीन करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा हो सकता है हम कैनाल को क्लीन करते हैं। तो जैसे कि आप इस केस में देख रहे हो, हम अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। इसके अंदर के जो नर्व वेसल्स है उसको रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि वो डैमेज हो चुकी हैं। तो मैंने पेशेंट को दो बार बुलाया है और ये आज का ही केस है। तो आज मैंने जितना किया मैं उतना इस वीडियो में डाल रही हूँ, ताकि आप लोगों के भी कभी ऐसे कोई दांत इस तरीके से ख़राब हो तो आप बिल्कुल डरिए मत, आप भी इसको सेव कर सकते हो। बट ज़रूरत है कि कोई अच्छे डेंटिस्ट मिले। तो इसी तरीके से यहाँ से क्लीन कर रही हूँ। तो ये हाइपोसलाइन होता है, इसमें हाइपो होता है एंड सलाइन होता है। ये देखिए पूरा पल्प निकल गया, यानी कि इन्फेक्टेड जो पल्प होता है ये निकला है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। ये अंदर की जो इन्फेक्टेड नर्व वेसल्स थी ये मैंने अभी निकाली है। तो आप अच्छे से दोबारा से कर रही हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन। जब पेशेंट आया था तो उसको बहुत पेन था, लेकिन जैसे ही मैंने कैनाल ओपन की तो उसका पेन एकदम से चला गया। इवन उसको कोई एनेस्थीसिया या कोई इंजेक्शन नहीं दिया था, तो उसका बिना एनेस्थीसिया के ही हमने किया है। उसको कोई भी पेन नहीं था। बहुत ही आराम से करना पड़ता है ये सब चीज़ों के लिए, और ये बहुत टेक्निक सेंसिटिव होती है, मीन्स थोड़ा सा भी ज़्यादा हमने बर डाल दिया तो दांत टूट सकता है, परफोरेट हो सकता है। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रख के ही करना पड़ता है। तो अगर आपके दांतों में भी कुछ ऐसा है ना, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आपके दांत भी सेव हो सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको डेंटिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है और अपने दांत को बचा सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्लीन किया है। दो सिटिंग में हम ये प्रोसीजर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर